यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूसी फौज के साथ सीधे कूदने के ऐलान के बाद बेलारूस की सेना की मूवमेंट तेज हो गई है। बेलारूस के मिलिट्री टैंकों का काफिला यूक्रेन के बॉर्डर की ओर बढ़ रहा है। बेलारूस की फौज का काफिला यूक्रेनी बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर है। उधर रूसी फौज की टुकड़ी भी बेलारूस पहुँची है। रूस बेलारूस के साथ ज्वाइंट फोर्स बना रहा है। बेलगोरोद और क्रीमिया ब्रिज पर यूक्रेन के हमले के बाद रूस बचाव की भी तैयारी में लगा है। यूक्रेन के आक्रामक रुख को देखते हुए मॉस्को में कार पार्किंग में बम शेल्टर्स भी बनाए जा रहे हैं। शेल्टर्स में सोने की जगह के साथ साथ हीटर और फर्स्ट एड किट्स के भी इंतजाम किए गए हैं। यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी फौज पर भारी पड़ रही यूक्रेन की फौज की मिसाइल यूनिट ने रूस के हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा। यूक्रेनी सेंटर एयर कमांड ने दावा किया है कि उनकी फौज ने रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर को मिसाइल अटैक से तबाह कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि उसने अब तक रूस के 245 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। युद्ध के बीच रूस को बड़ा झटका लगा है। खार्किव इलाके से आई तस्वीरों में रूस को हुए नुकसान का पता चलता है। दक्षिणी क्षेत्र के स्पेशल फोर्सेस के नेशनल गार्ड ने रूस के कब्जे से जमीन वापस ले ली है और इस मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में भयानक होते हालात के बीच चीन एक्शन में आ गया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि यूक्रेन में रहने वाले चीनी नागरिक जल्द देश छोड़ दें। चीनी दूतावास यूक्रेन छोड़ने में अपने नागरिकों की मदद करेगा। यूक्रेनी सेना ने वॉर जोन में कॉन्ट्रैक्ट पर रूसी सेना में शामिल हुए 7 जवानों को पकड़ने का दावा किया है। यूक्रेनी फौज के मुताबिक घिर जाने के बाद रूसी फौज के जवान चकमा देकर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन पकड़े जाने के बाद रूसी फौज के जवान लाचार दिखाई दिए। इससे पहले भी कई इलाकों में रूसी जवानों के सरेंडर करने का वीडियो सामने आ चुका है। जंग में बड़ी संख्या में ड्रोन गंवाने वाले रूस को ईरान जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल के साथ ड्रोन देने की तैयारी कर रहा है। रूस ने ईरान से 1700 किलोमीटर तक मार करने वाले Arrash-2 कामिकेज ड्रोन देने की मांग की थी। रूस को ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन उतने कारगर साबित नहीं हुए। अमेरिका के ट्रेजरी मंत्री वैली एडिमो ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में कमजोर हुई रूसी डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर बड़ा दावा किया है। वैली एडिमो ने दावा किया है कि प्रतिबंधों की वजह से रूस तबाह हुए हथियारों को बदल नहीं पा रहा है, इसलिए रूस का ऑपरेशन जल्द खत्म हो सकता है। यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों की मदद को लेकर फॉक्स न्यूज के हवाले से बड़ी खबर आई है। अमेरिका यूक्रेन को हिमास और जेवलिन की सप्लाई रोक सकता है। हथियारों के घटते स्टॉक पर अमेरिका ऐसा फैसला ले सकता है। रूस की धमकियों को देखते हुए अमेरिका अपनी तैयारियों में जुटा है।